और टैक्स फ्री बजट दिया। इसी तरह जनाब स्पीकर, अपोजिशन के बेंचों से बार बार यह तनकीद की जाती थी कि हुकूमत शायद सी पैक को स्लो डाउन कर रही है या असली सी पैक को हम रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम समझते हैं कि सी पैक मनसूबा इस खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो सी पैक के लिए भी हमने इस 32 जो उसके प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है उसके लिए 170 अरब रुपए रखे हैं। इंशाल्लाह ये सी पैक मनसूबा भी हमारे दौर में ही मुकम्मल होगा। जनाब स्पीकर, एक बहुत बड़ा मसला जो जिसकी तरफ शायद तवज्जो कम है वो है आबादी का बढ़ना। जब हम छोटे बचपन में होते थे तो हम देखते थे, स्पेशली हमने ज़ियाउल्लाह के मार्शल्ला में भी देखा 15-20 साल पहले तक, पॉपुलेशन कंट्रोल पे बड़ा काम होता था, बड़ी अवेयरनेस होती थी, बड़ी कैंपेन चलाई जाती थी। लेकिन अब बेतहाशा जो आबादी में इजाफा हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा आबादी का इजहा जो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है ये हमारे वसाइल को बड़ी बेदर्दी से खा रहा है। अगर हमने आबादी पे रोकथाम नहीं की तो आने वाले दिनों में जो इदाद व शुमार है माहरीन बताते हैं, जो हम सुनते हैं, जो रिपोर्ट्स देखते हैं, वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। तो आबादी पर हमें ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। इसी तरह जनाब स्पीकर, इलेक्शन 2018 में हुकूमत ने, आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने हमें तब्दीली के नारे पर वोट दिए और हम अपने उस मिशन पर गामजन हैं। और बावजूद इसके कि आप सब जानते हैं कि हमारा मुकाबला एक ताकतवर माफिया के साथ है, लेकिन तब्दीली और नए पाकिस्तान का हसूल उसी वक्त मुमकिन होगा जब कौम भी इसमें अपना किरदार अदा करेगी। आप इस कोरोना के दिनों में जनाब स्पीकर देखें कि शर्म आती है बताते हुए कि मास्क जो पहले 10 रुपये का मिल रहा था वो अब 200 रुपये का है। इसी तरह वो तमाम अद्वियात जो जान बचाने की अद्वियात हैं या जो मेडिसन किसी रिसर्च में या हमारे हुकूमत के जो हमारे एडवाइज़र टू हेल्थ हैं जब वो बता देते थे कि ये इंजेक्शन या ये मेडिसन इसमें कोरोना में कोविड-19 में बड़ी इफ़ेक्टिव है, तो अगले ही दिन उसको पर लग जाते थे या वो शॉर्ट हो जाती थी या फिर वो हज़ारों में अगर उसकी इंजेक्शन की कीमत है तो लाखों में चली जाती थी। हत्ता के मैं जब खुद इसका मुतासर हुआ कोविड का तो सना मक्की का हर जगह पर जिक्र था, 20 रुपए पाव वाली सना मक्की अब 800 रुपए पाव मिल रही है। हम मुसलमान हैं, हम कहने के मुसलमान हैं, ये हमारी इखलाकियात है, ये हमारा किरदार है। और हमारे मुकाबले में जो गैर मुस्लिम मुआशरे हैं जनाब स्पीकर, कि वहाँ वो मास्क लेके सड़कों पर खड़े हुए हैं, पब्लिक प्लेसेस पर खड़े हुए हैं कि आए ये आप मास्क इस्तेमाल करें, इसकी आपकी ज़रूरत है। बड़े ही अफसोस की बात है, ये काम तब्दीली सिर्फ अकेला इमरान खान नहीं ला सकता, तब्दीली हम सबको अपने रवैयों में लाना होगी। हत्ता के जनाब स्पीकर, जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनके नंबर्स एक माफिया जो ले लेता है। मेरे मोबाइल पे भी एक मैसेज आया गुमनाम कि जी आपको कोविड हुआ था, अब आप नेगेटिव हो गए हैं, तो क्या आप अपना प्लाज्मा बेचेंगे? अंदाज़ा करें कि प्लाज्मा की भी खरीद और फरोख्त हो रही है और हम बने हुए हैं इस्लाम के बड़े ठेकेदार। तो हमारी कौम पर अगर अल्लाह का अजाब ना आए तो क्या होगा? ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है, और ये सब कुछ अजाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ हैं। करप्शन का खात्मा और इंसाफ की फ्राहमी हमारा बड़ा हदफ था जनाब स्पीकर, लेकिन क्या एक मैं एक शेर में अपनी बात को इस तरह से शुरू करने से पहले कहूँगा कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, नजात दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि अभी वो मंजिल नहीं आई। हमारा अदालती निज़ाम जनाब स्पीकर बिल्कुल गल सड़ गया है। ये जो ईवान है ये आइन साज अदारा है, हमारा काम है लेजिस्लेशन करना। डॉक्टर बाबर अवान साहब बैठे हैं, एडवाइज़र हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के, आपका ताल्लुक मुल्क के मारूफ कानूनदानों में होता है। और मैं अपोजिशन के दोस्तों से भी कहता हूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हमने अभी तक इन 2 सालों में कोई काबिले ज़िक्र ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसी कानून साजी नहीं की जिसका आम आदमी को फ़ायदा हो। इस मुल्क का कानून ताकतवर के लिए और है और गरीब के लिए और है। और आपने देखा
कि जो ताकतवर है वो कानून, वो मकड़ी का जाल है कि वो इस ताकतवर इसमें से चीर फाड़ कर निकल जाते हैं और गरीब जो हैं वो इसमें फंस जाते हैं। और उसकी आपने मिसाल देखी कि एक शख्स जो सजा याफ्ता था और उसको जिस तरह से रिपोर्टें बनाई गई, मामू बनाया गया इस मुल्क के उन तमाम महकमों को, इदारों को, इवन अदालतों के मुँह आँखों में झोंक कर मिट्टी, और आज वो मुल्क से बाहर बैठे हुए एजेंडे भी इसी तरह। जी सर, इसी तरह बड़े बड़े सर मैं और इसी तरह बड़े बड़े ताकतवर लोग जिनकी चोरियां डाके अरबों में थे, लेकिन जब रेफरेंस बनाए जाते थे और उसके बाद उनको रिलीफ मिल जाता था। तो ये आए रोज आपने देखा कि अदालतों का अदालतें छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक इंसाफ का कत्लेआम कर रही हैं। आम आदमी का इस पार्लियामेंट से एतमाद खो रहा है जनाब स्पीकर, ज़रूरत इस बात की है। और इसी तरह हत्ता के नैब भी अगर आप देखें अपनी साख खो बैठा है। नैब ने अभी तक कोई काबिले जिक्र कोई ऐसा मुकदमा जिसमें कोई सजा दिलाई हो नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ आपने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को दोबारा से आप एक्टिव करें और कोई ऐसी लेजिस्लेशन करें, स्पेशली जुडिशल रिफॉर्म्स करें। यानी कि 50-50 साल हो जाते हैं जनाब स्पीकर, मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, उनके फैसला नहीं होता। और आम लोग अब कहते हैं कि अगर आपने इस मुल्क में ये जो कानून है ये मुलजमों को छोड़ने के लिए है, पकड़ने के लिए नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने आने वाले दौर में लेजिस्लेशन करें, अच्छी लेजिस्लेशन करें, अवाम के वसीतर मफाद के लिए लेजिस्लेशन करें, तो उसमें हमारा फ़ायदा होगा और कौम की निगाहें हमारे ऊपर हैं। इसीलिए इस ये ऐवान अपनी वक़्त खोता जा रहा है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं जनूबी पंजाब की बात ज़रूर करूँगा कि यह हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला करेंगे, हम उनको उनकी शनाख्त देंगे। और 32% इस साल हुकूमत पंजाब ने अपना बजट जो है वो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया और फिर उसकी फेंसिंग की है। और सिविल सेक्रेटेरिएट का क्याम जनूबी पंजाब सूबे की जानिब ये एक बहुत बड़ा संगे मील साबित होगा। इंशाल्लाह जुलाई के पहले हफ्ते में आप देखेंगे कि वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपने सेक्रेटरीज के साथ और उसके साथ आईजी, एडिशनल आईजी बैठेंगे, और फिर बकौल हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के, हुन थी फरीदा शाद वल मूंजा गुना कर याद वल झोंका थी सन आबाद वल ए नहना वांदे हिकमणी। और इसी तरह मुल्तान शहर का मेरा मसला सेवरेज का था, पीने का साफ पानी का था, उस पर भी खतीर रकम इस साल हकूमत पंजाब ने और वफाकी हुकूमत ने मुल्तान और जनूबी पंजाब के मनसूबों के लिए रखी है, उस पर भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह जो वादे हमने आवाम से जनूबी पंजाब के किए थे उसकी पसमानदगी को, गुरबत को दूर करने के लिए हम उनको पूरा करेंगे। जनाब स्पीकर, मुझे एक बात और इलम में आई कि कफायत शारी के इस ड्राइव में जब हमने ये मुहिम बड़ी तेज़ी से चलाई तो आपने कौमी असम्बली में भी जनाब स्पीकर 73 करोड़ रुपए की बचत की, जिस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह वज़ीर आज़म हाउस में हमने 25% से ज़्यादा बचत की, लाहौर गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस। गर्ज़ ये कि ये है नया पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो गरीब का पैसा है, वो अब अल्लल्लों तुलल्लों पे हुक्मरानों की अयाशियों पर खर्च नहीं होगा। हम एक एक रुपए के इनको जवाब दे हैं और हम एक एक रुपए का इनको हिसाब देंगे। और ये ईमानदार और ये वो हुकूमत है कि जो इंशाल्लाह ताला अपने एजेंडे की तरफ तेज़ी से गामजन है और नया पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। आखिर में मैं इन अशआर के साथ अपनी बात इख्तिताम करूँगा। चमन चमन कली कली रविश रविश पुकार दो, वतन को सर फरोश दो, वतन को जान निसार दो, जो अपने गैज़े बेकरां से कोह सार पीस दें, जो आसमां को चीर दें, हमें वो शहस सवार दो। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये मैं आपके सामने ये अदाद शुमार रखना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव थी कि ऑस्टेरिटी ड्राइव पे, तो नेशनल असम्बली ने अपने टोटल 75 करोड़ 14 लाख 35 हज़ार रुपये जो है ना ये वापस किए हैं। ये